आज श्रीनगर से हम निकले हैं और यहाँ पर आके ग्रीन लाइन पर रुके हैं। ये सफर मोहब्बत हलीम है, मोहब्बत बोल सकते हैं। हम आते हैं हलीम की मोहब्बत, हम कहाँ कहाँ घूमते हैं हमको ही नहीं पता है। तो और आज हमने जो हलीम खाई है और इसका जो स्टिकीनेस है माशाल्लाह, शायद ही मैंने कहीं चखी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आप बोल रहे होंगे, फ्री में दे रहे होंगे, तारीफ कर रहे हैं। खुद आइए, खुद चखिए, क्या खुद रिव्यू दे के बोलिए कि हाँ भाई किस तरह से, कैसा टेस्ट है, क्या है। बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, और इसका टेस्ट ही हमें खींच के लाया आज श्रीनगर। जो एक हैदराबाद से दूसरा कोना है सिकंदराबाद हमारे लिए, बिल्कुल। अब हम लोग रहते हैं नामपल्ली मल्लेपल्ली साइड में। अब ये इलाका ऐसा है, चबूतरे के इस पार बोले तो ऐसा दिखता दूसरे शहर को आ गए। अब सिकंदराबाद में ये एक ही होटल बोल सकते हैं जहाँ पे आपकी सब मिलती है। आगे अभी अभी खुले होंगे कारखाना वगैरह का, मगर यहाँ पे एक ये होटल, तो मौका बनाए कि चलो यहाँ कम से कम यहाँ की ट्राई करी। वैसे तो इरादा नहीं था, मौका नहीं मिल रहा था, मगर आज एक मौका मिल गया, मगर चलो जल्दी ट्राई करके आ सकते। तो दूसरी बात ये है, मतलब उतनी दूर से यहाँ सफ़र करके आना एक मकसद, ऐसा नहीं है कि हम पैसे खर्चा करके आ रहे हैं तो कोई चीज़ है तो आ रहे हैं। बिल्कुल, जो तो पब्लिक का रिव्यू था वो रिव्यू के बाद मना, इसमें सफ़र करना मेरे लिए फ़ायदेमंद हो गया। जी जी, वो इतना बड़ा जो सफ़र था वो फ़ायदेमंद हुआ, ऐसा नहीं दिखा कि उतनी दूर से मैं यहाँ आया बेकार हो गया। नहीं, अलहमदिल्ला, आप अपने पैसे खर्चा करेंगे तो क्या बोलेंगे कि चलो भाई पैसे बराबर जगह खर्चा हो गए। ठीक है, ऐसी रहती खाने का, तो आपको दिल से बोलते नहीं भाई, अगर 1000 रुपये की भी डिश में खा रहा हूँ तो आपके दिल को अगर वो चीज़ लगेंगी तो आप उसके बनेंगे नहीं, खाया मैं आई एम सेटिस्फाइड होता। तो जब तक आप अपने पैसों से या खा रहे हैं या चीज़ को आप सेटिस्फाइड नहीं होते उस चीज़ का, मैं उसे तो मैं रिव्यू नहीं देता हूँ। मैं जनरली किसी को डायरेक्ट रिव्यू देता हूँ नहीं, क्योंकि नहीं हलीम पूरे रमजान में चखी है हमें, या तो कहीं ओवर स्पाइस है या काली मिर्ची भर दे रहे हैं या हड्डियाँ भर दे रहे हैं, पर कमर्शियल चीज़ें 19-20 हो जाता तो उसको एक अलग चीज़ है। मतलब वहाँ का इसको कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल यूनिक टेस्ट है। मतलब ये सिकंदराबाद एक कोना है, फिर भी यहाँ ट्रैफिक का मसला उतना नहीं है जितना ओल्ड सिटी के इलाके में। जी जी, अगर आप मौका मिला तो आप बिल्कुल आके यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन लाइन अपने अलवाल रोड पे है, ये AOC सेंटर के आगे, सिकंदराबाद क्लब के आगे। अगर जो जो लोग यहाँ पे हलीम के शौकीन है, वाकई में चखना चाह रहे हैं, एक यूनिक टेस्ट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर चीज़ ऑथेंटिक है, बट जेन्यून रिव्यू ये है कि आप ट्राई करिए, आप अफसोस नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हलीम खाने का जुनून भी बताया और रिव्यू को अपना जेन्यून भी बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब और हामिद साहब दोनों का यूजफुल रिव्यू, थैंक यू वेरी मच। बाहुबली हलीम डेकोरेट की जा रही है, सजाई जा रही है। बाहुबली का यार, बाहुबली हलीम है, बाहुबली हलीम है। अच्छा, नाम सुनते ही आपके एक सेंसेशन होता है, इसका टेस्ट कैसा है? जबरदस्त है टेस्ट, जबरदस्त, एक्सीलेंट है। भाई आपको ये हलीम का जायका कैसा लगा? मैं बढ़िया है, हालांकि मैं टोली चौकी में रहती, लेकिन अच्छा, मैं यहीं पे खाता हूँ। उतनी दूर से आते आप? कंपनी का रोड है, बट मेरे को सबसे बेस्ट यही टेस्ट, सबसे बेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका फिर वेलकम है, स्वागत है ए जी चैनल में। नाज़रीन, आज हम पहुँच गए हैं कारखाना सिकंदराबाद, जहाँ पर ग्रिल लाइन के स्पेशल हलीम, जिसमें बाहुबली हलीम भी शामिल है, हम आपको बताएंगे, लोगों से रिव्यू लेंगे, खुद भी चखेंगे और बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा ए जे चैनल के साथ और ग्रिल लाइन की बाहुबली हलीम के साथ। नाज़रीन, इस हलीम के आउटलेट के बाहर ठहरे हुए हैं लोग तीनों, एंड दे आर एंजॉइंग लाइक ईटिंग हलीम। तो पूछते हैं भाई, कैसा आप टेस्ट इसका? अच्छा मैम, अबाउट योरसेल्फ? बढ़िया। आप? या इट्स टेस्टी, थैंक यू वेरी मच। भाई आप क्या ले रहे हैं? आप बाहुबली हलीम। द गेम इज ऑन,
कैसा है बताइए इसका टेस्ट? माशाल्लाह जबरदस्त है टेस्ट, बाहुबली बाहुबली ऐसा ही। जी जी भाई साहब आप बताइए कैसा है? बहुत अच्छा है। और आप भाई? वेरी नाइस, जैसे अच्छा स्पाइसी है, मीठी तो अच्छा मालूम हो रहा है। भाई साहब आप लास्ट बट नॉट लीस्ट आप बोलिए। थैंक यू। इसके अंदर इतने इंग्रेडिएंट डाल दिया, एग है, फिर पतरा गोश है और चिकन भी है, और खास कर ये जो मशहूर बोलते हैं अपन नल्ली, जो अपन ढूंढते रहे थे दावतों में भी लेकिन नहीं मिलती अपने को नल्ली। जी बिल्कुल सही कहा आपने, नल्ली अपने नॉर्मल यहाँ पे मिल जा रही ग्रिल लाइन पे। रोशन भाई जो बिल्कुल एक रोशन सितारा बनकर हलीम की दुनिया में जगमगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा भाई ये बाहुबली हलीम में आप क्या क्या मिला रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके? अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आपको भाई। और एक्चुअली बाहुबली हलीम हम लोग जो है एक दो साल पहले निकाले थे। जी जी। पैंडामिक की वजह से मतलब इतनी मशहूर नहीं हुई थी, तो हम लोग का बाहुबली हलीम का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पूरे हैदराबाद में हलीम मिलती है, एक ज़माने से हलीम रहेगा, काजू रहेगा, थोड़ा सा काजू रहा तो रहा नहीं तो नहीं रहा, रिश्ता और पुदीना और शोरबा डाल के देते थे हलीम के ऊपर। तो अभी क्या है क्योंकि जनरेशन कुछ नया मांग रही, तो हम भी यही जनरेशन के यंग हैं, तो हम सोचे भाई हलीम का प्लेटर बनाएंगे। हम ये प्लेटर का नाम जो है ना बाहुबली रखे, बाहुबली इसलिए रखे कि ये ह्यूज प्लेटर मतलब बड़ा है, चार लोगों के लिए है। इसके अंदर चार पीस पत्थर का गोश्त है, चार पीस चिकन टिक्का है, दो फुल बॉइल्ड एग्स है और फ्रेश क्रीम है उसके ऊपर। लोग मेयोनीज बोल रहे हैं, मेयोनीज नहीं है, फ्रेश क्रीम है और लॉट्स ऑफ कैशूज, फ्राइड ऑनियन और दो नल्ली के पीस भी दे रहे हैं। जो नल्ली अपन गोश्त खरीदने गए तो एक किलो गोश्त में दो नल्लियाँ मिलते हैं, मगर हम हर हलीम में नल्ली दे रहे हैं। आप जी जी, सबकी मनपसंद चीज़ रहती नल्ली, बकरे की नल्ली जो है तो वो दे रहे। तो ये जब कॉम्बिनेशन हम पर्सनली एक बार ट्राई करके देखे थे कि भाई पत्थर के गोश्त के साथ हलीम, टिक्का के साथ हलीम, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था इसका। तो हमने सोचा कि भाई इसको हम मेन्यू में ऐड करेंगे। हमारे ऐड करने के बाद में इतना धमाका हुआ इस बार ये हलीम का, बाहुबली हलीम का, कि हर जगह से जो है ना पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं हमारे को। लोग बोल रहे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और लोग इंतज़ार में कि भाई बाहुबली इस साल निकाले, अगले साल और क्या करने वाले हैं आप। तो इंशाल्लाह अगले साल तो निकालेंगे कुछ ना कुछ, मगर वो सीक्रेट है, रमजान से थोड़े दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे हमारे कस्टमर्स। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा कि बॉक्स ऑफिस से बाहुबली फिल्म ने धूम मचाई थी, जी आपकी हलीम शहर में बल्कि अतराफ धूम मचा रही है। हमारे अलहमदुल्ला, और हलीम के साथ ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट के भाई खाली ऊपर की टॉपिंग ही अच्छी दिख रही और खूबसूरती अच्छी दिख रही प्लेट की, साथ साथ जो हलीम का जो हलीम है हमारी वो भी बहुत जायकेदार है। बचे हुए अभी दो से तीन दिन बचे हुए ईद के लिए, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आके जल्द से जल्द ट्राई करें ये आइटम को यहाँ पर। और हली मतलब टॉपिंग ही मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं लोगों को बोल रहे हैं कि सजावट से जो है ना अच्छी दिख रही हली, हलीम भी बहुत टेस्टी है हमारी। आपके कहने का मतलब ये नकल नहीं है बल्कि असल है, इसमें क्रिएटिविटी है और अपने तौर पर बहुत सारे चीज़ें ऐड करके आप सामईन की खिदमत कर रहे हैं, उनकी दुआ ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस पर एक हल्ता हुसैन हाली का एक शेर याद आता है, जैसे आपने कहा कि हमने नए ट्रेंड को जहन में रखते हुए हलीम बनाई है, हाली ने कहा था चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, उस मिसाल का मजदाक हमारे रोशन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चौकी डिनर यहाँ पर लोग खाते हैं, गर्म लाइन में ऊपर हम जो बैठे थे वो डाइनिंग हॉल था, वहाँ पर सब मिलकर रह रहे थे, लेकिन ये है चौकी डिनर। लेकिन हम ऊपर हैं इस चौकी डाइनिंग हॉल में और यहाँ से आप नज़ारा कर सकते हैं, मसरूफ तरीन सड़क जो सिकंदराबाद की तरफ जाती है, कारखाना का इलाका, वेरी कमर्शियल एंड वेरी ट्रैफिक फिल्ड एरिया, यानी जो हजूम और ट्रैफिक अजदहम से भरा पड़ा है आप देख सकते हैं। और देखिए सड़क के किनारे बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर दुकान है और यहाँ तक खा रहे इतनी भीड़ है भाई, आपको हलीम कैसी लगी है? ये बहुत अच्छी हलीम है वाला तो। थैंक यू। नाज़रीन हम खाते हैं हलीम ग्रिल लाइन की और आपको देते हैं रिव्यू के इसका टेस्ट कैसा, तो लेते हैं पहला डिप भाई। ये तो बिल्कुल हर किस्म की बैलेंस्ड हलीम है क्योंकि उसमें
असली टोटले का गोश्त और असली घी और मगज़ियात और बहुत सारी चीज़ें हैं और हम इन्हें खाते हैं और आपको देते हैं रिव्यू। अरे वाह भाई वाह, कितनी जायकेदार है, अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, हम लेते हैं एक और डिप। वाह भाई वाह, पहले डिप में बेहतर, दूसरे में उत्तर, खाने से पेट नहीं भरता, जायका कभी कम नहीं होता। तो लेते अरे वाह भाई, आपके बार जो हमने खाया तो हमें वाकई ऐसा लगा कि इसे खास तौर पर पूरे इंग्रेडिएंट के साथ प्रोपोर्शनल अंदाज में बनाया गया। तो उन्हें रोजा खोलने के बाद जो हम एक कसम की नकाहत जो महसूस करते हैं वह इससे दूर करती है, और जब मज़ा लगता है तो छूटता नहीं नाजरीन, क्योंकि जबान भी बड़ी ही बेवफा है, क्योंकि एक बार खाकर मुतमिन नहीं होती, वो चाहती है कि बार बार खाएं। तो हम अरे वाह भाई वाह, जायके पे जायका, जायके पे जायका, साबिके से बेहतर। तो कहने का मतलब दिस इज द हलीम विच हैज ए वेरी फैंटास्टिक टेस्ट। आई एम नाउ नॉट जस्ट सेटिस्फाइड वन डिप, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड गो ऑन, बिकॉज वन साइड गो ऑन गिविंग डिप, इट शोज दैट हाउ मच एपेटाइट आई हैव फॉर दिस हलीम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ रियली मेड हलीम फॉर पीपल, means it doesn't have any extreme things, neither it's not moderate, but it is very well with the ingredients which are quite normal and healthy. So health and hygiene is also one content of this haleem. अरे भाव, गले से उतरने के बाद जैसे गले से जो सूप निकलता है बाहर निकलता है, लेकिन ये हलीम का मामला कुछ ऐसा है कि खाने से और भी अंदर जायका पहुंचता है। तो कहते हैं ना कि भाई गली गली हवा चली, हर जगह है बाहुबली, यहाँ की बाहुबली की जो टेस्टी हलीम का जो पैकेज है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पत्थर का गोश्त, मल्ली, चिकन, हमने दोस्तों के साथ। वाह भाई वाह, जवाब नहीं हलीम का, और हमारी जबान तो बल चटखरे लेते हुए खा रही है, और जबान को दे नहीं सकते दोष, क्योंकि ये सब मज़े का खेल है। और जो आता है ग्रिल 9 को तो बिल्कुल थ्रिल होता है, फाइन भी होता है, बिकॉज इट इज ग्रिल 9 एंड माई थ्रिल इज क्वाइट फाइन। और लेते हैं एक और लुकमा। वाह भाई वाह, जवाब नहीं भाई, हमने कब कहा कि सवाल है, ये कहने का मतलब ये बिल्कुल ही लाजवाब है, और हलीम बिल्कुल शबाब पे है। कारखाना सिकंदराबाद में ग्रिल 9 रमजान स्पेशल हलीम, और इसको खाने के लिए इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, बता नहीं सकते।